पिछले दिनों गो तस्करी के शक में भीड़ ने 3 युवकों को पीटा था। 2 युवकों की तो तभी मौत हो गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉब लिंचिंग में अब तीसरे पीड़ित सद्दाम की भी मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यूपी के जिन 3 युवकों की गाय तस्करी के आरोप में कथित तौर पर पिटाई की गई थी, उनमें से तीसरे युवक की 18 जून को सुबह मौत हो गई। बता दें कि बाकी के 2 युवकों की पहले ही मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के आरंग में 7 जून को मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। जानकारी के मुताबिक यूपी के सहारनपुर के रहने वाले 3 युवकों सद्दाम कुरैशी, चांद मिया और गुड्डू खां की रायपुर के आरंग में कथित तौर पर पिटाई की गई थी। आरोप है कि 12 से 15 लोगों ने तीनों को इतना पीटा था कि चांद मिया और गुड्डू खां की 7 जून को ही मौत हो गई थी। वहीं सद्दाम कुरैशी गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा था, जिनकी की अब 18 जून की सुबह मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना वाले दिन सुदाम कुरैशी, चांद मिया और गुड्डू खा एक ट्रक पर मवेशियों को ले जा रहे थे। रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने रास्ते में उनका पीछा कर ट्रक को घेर लिया। महानदी पुल पर मवेशियों को ले जा रहे उस ट्रक को रुकवाया और फिर ट्रक पर सवार 3 युवकों को नीचे उतार कर उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। सद्दाम के भाई शोएब ने बताया कि 7 तारीख को ट्रक पर मौजूद सद्दाम कुरैशी, चांद मिया और गुड्डू खा को पुल पर से फेंक दिया गया था। चांद और गुड्डू की वहीं पर मौत हो गई थी। शोएब ने कहा कि सद्दाम का फोन आया था, सद्दाम ने बात नहीं की, लेकिन उसका फोन 51 मिनट तक चालू रहा था। इस दौरान सद्दाम 20 मिनट तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, वो मदद मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मुझे पानी पिला दो, लेकिन वो लोग मारपीट कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। शोएब ने बताया कि उन लोगों ने आरंग थाने जाकर केस दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही अब तक किसी को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार यह मामले आते रहे हैं कि गो तस्करों की शक में लगातार युवकों की मॉब लिंचिंग होती रही है और कई बार हत्याएं तक हो जाती है। और यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई बार यह मामले आए हैं, कभी राजस्थान में, कभी हरियाणा में, कभी मध्य प्रदेश में, और अब छत्तीसगढ़ का यह मामला जिसमें के पहले ही 2 युवकों की तो मौत हो चुकी थी, अब तीसरे युवक ने 18 जून को दम तोड़ दिया सुबह सुबह और उस तीसरे युवक की भी मौत हो गई। हालांकि सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कौन है वो लोग जो गो तस्कर के बहाने ऐसे लोगों की हत्याएं कर देते हैं, और शर्म की बात तो यह कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अभी तक भी शोएब ने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस के द्वारा, हालांकि उन्होंने रिपोर्ट जरूर लिखाई है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही हत्यारों की गिरफ्तारी हुई है। जो बताया जा रहा 10-15 लोग है, पीटने वाले कौन है वो और किस आधार पर उन्होंने उनको पकड़ा और किस आधार पर उनको पीटा, और ट्रक पर जो 3 लोग सवार थे, ये तो सोचे कि 3 लोग ही सवार थे, अगर ज्यादा होते तो शायद उनकी भी मौत ही होती जिस तरह से इनकी हुई है। और बताया जा रहा कि तीनों को ट्रक से नीचे फेंक दिया था, पुल के नीचे से, और दो की उसी दिन मौत हो गई थी तभी, और एक की अब मौत हुई है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हालांकि इन गो तस्करों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही है, लगातार वीडियो वायरल होती रही है, और जो गो रक्षक होते हैं वो लगातार उनका पीछा करते हैं, और जिस तरह से कई बार बेकसूर लोगों की भी हत्याएं हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है हमारे पुलिस प्रशासन पर भी। हालांकि नेता इस पर राजनीति करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इस पर भी करेंगे, लेकिन कभी किसी पर कार्रवाई नहीं होती। शायद यही कारण है कि लगातार देश में जो यह मामला चला हुआ है गो तस्करों के शक में लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। और जो गो तस्करी करते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो अलग बात है, लेकिन बेगुनाहों के साथ ऐसा अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।